तबीयत तो ठीक है ना? हेलो, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मम्मी जी, मैं तो सिर्फ करेले का जूस बना रही हूँ मीनू के लिए। आज से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाना है ना उसके लिए। हे भगवान जी, मुझे ना बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है। समझ में नहीं आ रहा मैं आपको थैंक यू बोलूं इसे किचन का रास्ता दिखाने के लिए या फिर अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करूं। बेचारा इतनी मेहनत करता है, इतना नाजुक सा है, और आजकल खाता पीता क्या है, ये डाइट फूड और करेले का जूस। क्यों क्यों उसकी किस्मत का करेला बनाने पे तुले आप हैं? मम्मी जी, ये हेल्दी फूड है ना? ये हेल्दी फूड है? अरे हेल्दी फूड ना दूध मलाई मक्खन होता है। ये देखो, पीनू को किसी ने टैग किया है पोस्ट में, देखिए फोटो। हे जीने, ओ पता है 2 घंटे जिम करके आ रहा हूं, पूरी बॉडी दर्द हो रही है यार। सुनो, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। बस इसी तरह से ना मेरे पुत्र को कचौड़ियां और पूड़ियां खिलाते रहिए आप। इतना सोना लग रहा है हाँ करके। दादी, मम्मी जी, सोनू रो क्यों रही है? ओहो, वो क्या हो गया यार सोनियो? वो ससुर जी सब? चुप करो, धोखेबाज हो तुम मीनू, झूठ बोलते हो। जिनके नाम पे कचौड़ियां खा रहा है गप गप करके। मैं थोड़ी ना खाई कचौड़ियां, मैं तो सीधा जिम से आ रहा हूँ यार। पता है कितनी दर्द कर रही है मेरी। कौन सा कीड़ा है यार लोगों के अंदर, हर चीज ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। सुनियो, वो ना वो सारे दोस्त ना बहुत फोर्स कर रहे थे कचौरी खाने के लिए, और लेकिन मैंने ना सिर्फ सेल्फी के लिए ना कचौरी अपने हाथ में उठा ली। एक छोटी सी बाइट भी ले ली थी, सॉरी। ओ चल ठीक है, देख ओ वादा करता हूं कि आज से ना कभी भी बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगा, ठीक है? और सीधा ना कार से जिम जाऊंगा और जिम से कार आ जाऊंगा। ओ तेरी सौ यार। चल माफ कर दे, ले हो गई गलती, गुस्सा थूक दे, ले ले। अब पुत्र, तेरे लिए चाय बना दूं? हाँ हाँ मम्मी जी। अरे शक्कर मत डालना। हाँ सराना एकदम ठीक कह रही थी, बीवी अगर कोई जिद पकड़ लेती है तो उसे पूरा करके ही छोड़ती है। और रेडी हो जा भाई, चक्री बनने वाली है तेरी जिम में।
कम ऑन विनोद पाजी, शाबाश शाबाश शाबाश। थैंक यू जी। यू वेलकम। आया था तो एकदम फट्टी कबाड़ी था और आज देखो एकदम माचो लग रहा है। वाह विनोद बाबू, आखिर मेहनत रंग ला ही गई। हाँ मोंटी दस, वो कहाँ है तू यार? वो सोनू ने ना यार जिम ज्वाइन करा दिया तो बस यहीं पर आता हूँ। ओ मैं तो कह रहा हूँ तू भी ज्वाइन कर ले, दोनों भाई साथ में मसल्स बना लेंगे। ओ तू ही एंजॉय कर अपना जिम और अपनी कसरत, ओ हमारे तो डोले शोले ऐसे ही मेंटेन रहते हैं हरदम। ओए मोंटी चल यार। ओ आया आया, ओ चल मैं चलता हूँ। चल ठीक है बाय। वीनू। हाँ जी। कॉलेज ही जा रहे हो ना? हाँ क्यों? बड़ी टाइट टी शर्ट पहनी है। अच्छा वो ये तो गलती से निकल गई यार। वो क्या है ना, पहले पेट बाहर निकला हुआ था तो पहन नहीं पाता था, लेकिन अब तो जैसे प्यार हो गया इस टी शर्ट से, लेकिन सिर्फ तेरी वजह से। वैसे एक बात बता, टी शर्ट अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। सच बात बोलूं टी शर्ट एमी है। वो कमाल ना तेरा है सोनिया, क्योंकि तू नहीं मुझे जिम भेजा। वो अगर तू मुझे जिम नहीं भेजती ना तो लोग मुझे ऐसे मुड़ मुड़ के थोड़ी ना देखते। वो पटियाले में ना लोग ना मुझे वो क्या कहते हैं, कूल डूड कहने लगे हैं यार, लेकिन सिर्फ तेरी वजह से। वो बड़ा ख्याल रखती यार तू मेरा। वो एक किस्मत वाला हूँ जो तेरे जैसी बीवी मिली। कौन देखता है मुड़ मुड़ के? वो सभी देखते हैं। पता है कॉलेज में ना सिर्फ मेरे ही नाम की गॉसिप चलती है। सारे प्रोफेसर जलते हैं मुझसे। कॉलेज में ना सभी कहते हैं, सारी लड़कियां, मेरा मतलब वो मेरी स्टूडेंट्स, कि मेरे जैसे फिट आदमी को ना प्रोफेसर नहीं फिल्म का ना हीरो होना चाहिए था। जो होने के वहां मर चला गया। हीरो? ओ वैसे सोनू, वो दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ यार तुझे। ओ तूने ही तो मुझे धक्के मार मार के जिम भेजा ना, तो थैंक यू यार। चल बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। मम्मी जी जल्दी करो, क्या कर रहे हो? हार गई आ गई, ये लो लो। ओए बुन्नू अपनी मम्मी जी से बोल मुझे भी दे, भूखा मारेगी क्या बंदे को? बुन्नू अपने पापा जी से कह, चार पराठे ठूस चुके और कितने खाएंगे। हाय देखो मेरे पुत्र को देखो। और तेरे पापा जी से कह बुन्नू उससे कुछ सीखे, जिम शिम जाके ना एकदम फिट हो गया है। मुझे तो पता ही नहीं चलता तेरे पापा जी का पेट है या ढोलक, कभी कभी तो लगता है कि फट जाएगा। ओए बुन्नू अपनी मम्मी जी से कह दे अगर मैं ज्यादा जिम शिम करने लगा ना, ज्यादा फिट हो गया, तो कोई और बंदी मेरे प्यार में पड़ के मुझे किडनैप ना कर ले। सही है पापा जी, सही है। ए माड़ी रे, क्या सही कह रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा जी चलता हूँ, शाम को मिलते हैं, बाय बाय। बाय बेटा बाय बाय। अरे यार हाय विनोद जी। हाय बंटी जी, हाउ यू? मैं तो ठीक हूँ। ए माड़ी रे, ये मेरी वाइफ। हाँ जी ये मेरी वाइफ है सोनू। ओह हाय सोनू। हाय नाइस मीटिंग यू। वैसे मैं और विनोद जी सेम जिम में जाते हैं।
अच्छा बड़े हार्ड वर्किंग है आपके हस्बैंड। थैंक यू। जानती हूँ। वैसे विनोद जी आपके स्कूटर को क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रहा तो मैं कहीं ड्रॉप कर दूँ? हाँ प्लीज, वैसे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आप एकदम करेक्ट टाइम पर आई हैं। सुनो ये जरा अंदर रख लेना प्लीज। मेंशन नॉट विनोद जी, आप बोलोगे तो मैं रोज आपको ड्रॉप करने आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच जी। अच्छा सोनू, शाम को ना जिम के बाद मिलता हूँ, बाय। चलिए जी, बाय सोनू। बाय। कहीं विनू को जिम भेज के मैंने गलती तो नहीं कर दी? विनू के आने का टाइम तो हो गया है, अभी तक नहीं आया। मेरा विनू आज तक कभी इतना लेट नहीं हुआ। कहीं वो बंटी के साथ घूमने तो नहीं चला गया? हे भगवान, बचा ले मेरे विनू को। बंटी वैसे भी बड़ी चालू लग रही थी वो, अब नहीं। मेरा विनू वैसा नहीं है। शांत हो जा सुनू, शांत हो जा। मैं तुम्हारे लिए मिल्कशेक लेके आती हूँ, तुम आराम करो। आजा जल्दी से। बंटी जी। जी हाँ जी बंटी जी, वो आप ही को याद कर रहा था जी, और किसको याद करूंगा। हाँ जी, ओ बिल्कुल जी बिल्कुल। ओ जी क्या बताऊं जी, आज ना बड़ा मजा आ गया जी। हाँ वो टच, ओ जी मैंने तो वही टच किया था। अब क्या बताऊं जी मैं आपको, हाय वो मेरी तो पूरी बॉडी में करंट फैल गई जी। बंटी जी आप बात कर रहे हो आप, वो आपको भी महसूस हुआ? एक बात बताऊं जी आपको, आपकी ना टच में ही पावर है। नहीं जी झूठ नहीं बोल रहा हूं। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके बिना ना जिम में बिल्कुल दिल नहीं लगेगा जी। जी आप कह रहे हैं, वो आपकी बॉडी को देख के ना कोई भी इंप्रेस हो जाएगा, वो मैं क्या चीज हूँ। हाँ जी विनोद पाजी, अगर आप मेरे जिम का रूटीन फॉलो करोगे ना तो आपकी बॉडी भी एकदम मेरे जैसे हो जाएगी। अच्छा चलो जी ठीक है, जो आपकी मर्जी। देखो जी आपका ना साथ होना चाहिए, बाकी मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ जी भाई साहब, आपकी बीवी ने आपकी मेंबरशिप वापस ले ली है। आपके ने, मेरी बीवी ने मतलब, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, प्लीज आप जा सकते हैं प्लीज। सुनो यार तू ऐसे कैसे कर सकती है यार मेरे साथ। मम्मी मेरी ट्रिक काम करेगी ना, मुझे ना मेरे विनू को जिम वाली बंटी की बुरी नजरों से बचाना है। पता है उन्हें शक्ल से एकदम लालची बंदरिया लगती है। ए, सुनो ऐसी डाउन मार्केट लैंग्वेज यूज कर रही है। देख तूने है ना प्रॉब्लम को जड़ से काट दिया है। अभी ना जाएगा विनो जिम और ना मिलेगी उसे वो फ्लेटी बंटी। अभी देख तू है ना आगे का प्लान ना ऐसे एग्जीक्यूट कर जिसे मैंने बोला है। ओके सुनो पेरी पॉनी जी नमस्ते। खुश रहिए मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ विनू को भूख लगी होगी ना। ओके स्वीटू बाय। हाँ एंड टेक केयर। आओ जो वे तूने भूख को गोली मार ठीक है, वो तेरे चक्कर में ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। मैंने क्या किया विनू? मैंने क्या किया? ओ तूने मेरी जिम की मेंबरशिप क्यों कैंसिल करा दी यार? ओ हाँ क्या यार, वो बता ना मुझे। वो पहले तूने मेरे सर पे बंदूक रखी मुझे जिम भेजा, फिर जब मुझे आदत होगी तो तूने मेरी मेंबरशिप कैंसिल करा दी।
क्यों यार? वो तू सीधा सीधे मुझे बता, तुझे चाहिए क्या मुझसे? इनू, तुम्हें पता है ना, मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ। मैंने आज भी वही किया है। उए, इसमें भला क्या किया यार तूने? वो तेरी इस भलाई के चक्कर में ना मैं पागल हुआ जा रहा हूँ यार। इनू, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें जब सच्चाई पता चलेगी ना तो तुम्हें बहुत गिल्ट होगा मुझ पर चिल्लाने का। ओ हेलो गिल्ट की बहन, वो ये सस्पेंस क्यों बना रही है यार तू? यहाँ क्या कोई फिल्म चल रही है? हाँ, मेरी फिल्म तुम्हें कल सुबह देखने को मिलेगी। तुसी पॉपकॉर्न खाओगे क्या? थेपला ही लेके आती हूँ। अरे विनोद खन्ना जी, अरे देखो सामान आया आपके पास। जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। खोल जरा, देख तो सही है क्या? ओ मुझे तो फ्रिज लग रही है, खोलूं कैसे? भैया ले चाबी, इसमें वो नाइफ है ना। चल एक। गिफ्ट ताकि मेरा वीनू अच्छे से घर पे ही जिम कर सके और अपनी हेल्थ बना सके। घर पे भी करेगा तो? तुम कॉलेज से इतना दूर जिम जाते हो, इंसान थक जाता है ना। अपना अच्छे से घर पे ही जिम करना। पर सुनियो, मुझे ना जिम जाना अच्छा लगता था, वो कुछ नहीं तो दो चार लोगों के साथ गपशप हो जाती थी यार। यही तो रुकनी थी क्या? मतलब मेन क्या है विनू? एक्सरसाइज करना। अब तुम घर में करो, जिम में करो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ पर माहौल भी तो होना चाहिए ना। वो सब छोड़, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया है स्पेशली विनू के लिए। ओ पुत्र, संदन जी ने गिफ्ट भेजा है और रख लो, बड़े प्यार से भेजा है। मैं कहती हूँ ये देखना डंबल है। ओ संभाल के बीजी, और आराम से थोड़े डंबल शंबल कर लूंगी, मेरी कलाइयां बड़ी वीक हो गई हैं। कोई पढ़ो। ठीक है ठीक। पुत्र तेरे पापा जी भी थोड़ा कसरत कर लेंगे, देखना उनकी टोन, लगता है कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। और चुप कर, अपनी मम्मी जी से बोल कि कभी कभार अपनी चोंच ना बंद रखा करे, कि जब बोलेगी तब। ओ पुत्र, ओ यार घर में जिम होगा तो सब लोग फिट रहेंगे घर के। हाँ। सब मिलके कसरत करेंगे सुबह शाम। हाँ पापा जी, ओ जानता हूँ कौन कितना फिट रहेगा। ओ लिख के ले लो, ओ महीने भर में ना ये सारी चीजें ना स्टोर रूम में मिलेंगी और कोई हेलो हाय भी नहीं करेगा। अच्छा यार, ओ बुन्नू बता यार चलती कैसे, तुझे पता है? ये निकालो तो सही। देख सोनियो, वो क्या नया बखेड़ा तूने शुरू कर दिया यार। वो अच्छा खासा मैं जिम जा रहा था, वो क्या जरूरत थी ये सब करने की? जरूरत थी वीनू, उस बंटी का चैप्टर ना खत्म करना है तुम्हारी लाइफ से। वीनू, मैंने तो इसलिए किया कि मुझे लगा तुम घर पे हम सबके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे, पर अगर तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया है तो हम वापस भेज देंगे। Okay. कैरम खेलूं तो प्रॉब्लम, जिम ना जाऊं तो प्रॉब्लम, जिम जाऊं तो प्रॉब्लम, क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ और करूं ना करूं, कहीं ना जाऊं या जाऊं। सोनू, जिम तो मैं जाके रहूंगा।